Assalamualaikum. Hello and welcome guys. कैसे हो आप सब और आप देख रहे हो टेक अस पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज 14 अगस्त है आप सबके लिए. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान के लिए. तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो का टॉपिक ये कि ऑरेंज एंड टील की लुक कैसे लाई जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइट रूम की मदद से. जैसे आप जैसे एक पिक्चर क्लिक करते हो लेकिन आपको उसमें ऑरेंज एंड टील लुक देनी है. जैसे ब्लैक और ऑरेंज एक लुक नहीं होती, वो एक बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है. टील लुक जो है थोड़ी ब्लैकिश टाइप होती है तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ऑरेंज एंड ब्लैक लुक. तो मैं आज आपको बताने हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप्स होंगे, थोड़े से स्टेप्स हैं, आप जैसे उनको फॉलो करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा लुक देंगे आपके पिक्चर में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं. तो अरे भी डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर. और सिंपली सबसे पहले आपने गैलरी में जाके शेयर पे क्लिक करके ऐड टू लाइट रूम पर क्लिक कर लेना, तो फोटो सिंपली आपकी लाइट रूम में ऐड हो जाएगी. मेरे पास ये वाली फोटो पहले से ऐड हुई भी है तो मैं सिंपली इस वाली फोटो को ओपन कर लेता हूँ. उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर जाना है, उसके एक्सपोजर को कम कर देना है. उसके बाद इसकी हाईलाइट्स को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ, उसके ब्लैक्स को भी मैं अच्छा खासा बढ़ा देता हूँ. उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर इसकी कर्व में जाता हूँ और यहाँ पर देखें मैं अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कुछ कर लेता हूँ. कर में मैंने ये वाली सेटिंग कर ली, आपने भी ये वाली सेटिंग आप सिंपली अपनी फोटोज़ पर कर सकते हो. उसके बाद सिंपली मैं आगे कलर वाले सेक्शन में जाऊंगा और उसकी सिंपली यहाँ पर मैं वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ा देता हूँ और सैचुरेशन को मैं हल्का सा सैचुरेशन को भी बढ़ा देता हूँ. उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा और ह्यू को उसकी कर दूँगा कम और उसकी बल्कि मैं ह्यू को बढ़ा देता हूँ, उसकी सैचुरेशन को मैं कर दूँगा कम और उसकी हल्का सा देखें ल्यूमिनस को भी बढ़ा देता हूँ. उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा और उसकी ह्यू को मैं हल्का सा देखिए अपने हिसाब से कर लेता हूँ, जैसे मैं हल्का सा कम कर लेता हूँ. उसके बाद सिंपली मैं इसके ल्यूमिनस को भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ. उसके बाद येलो वाले कलर में जाने के बाद सिंपली हमने येलो वाले कलर में कुछ भी नहीं करना, हल्की सी बस ह्यू को कम कर देना. उसके बाद सिंपली यहाँ पर जाने के बाद मैं इसकी ह्यू को ये बढ़ा दे कम कर देता हूँ, सैचुरेशन को बढ़ा देता हूँ, उसके ल्यूमिनस को मैं कम कर देता हूँ. उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद मैं बस सिंपली इसकी ह्यू को कम कर दूँगा. यहाँ पर जाने के बाद भी मैं इसकी बस हल्के से देखे ह्यू को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ और ल्यूमिनस को भी मैं इसकी हल्का सा देखे बढ़ा देता हूँ और सैचुरेशन को मैं कर देता हूँ, सैचुरेशन को बल्कि मैं बढ़ा देता हूँ. देखिए आपने अपनी फोटो के हिसाब से करना है, मैं अपनी फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ सिंपली. उसके बाद आपने लेकिन आप ये वाले अगर स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल अपनी फोटो में, बिल्कुल एचडी में आपकी फोटो सेव होगी. उसके बाद इसके जिस टाइप का मैं कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ उस टाइप की आप कर सकते हो. और सिंपली जब आपकी ये वाले हो जाए तो सिंपली आपने यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना. डन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर जाना है, इसकी हल्की सी देखिए क्लैरिटी को बढ़ा देता हूँ. क्लैरिटी बढ़ाने के बाद देखिए फोटो में कितना अच्छा एक लुक आ चुका है. उसके बाद देखिए मैं हल्के से इसके विग्नेट को करता हूँ कम, मिड पॉइंट को मैं हल्का सा कम कर देता हूँ और इसके फेदर को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ सिंपली. उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा हल्का सा, जैसे ग्रेन अमाउंट इसमें हल्का सा बिल्कुल बढ़ा देता हूँ. उसके बाद सिंपली मैं स्प्लिट टोन में जाऊँगा और देखिए मैं तकरीबन इसके बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पर चला जाऊँगा और इसकी सैचुरेशन को हल्का सा कम करूँगा. तकरीबन देखिए मैं इतना रख लेता हूँ. तकरीबन देखे जब मैंने देखा तो देखे फोटो में एक कितना अच्छा लुक आ चुका है. पहले फोटो कुछ इस टाइप की थी और अब फोटो कुछ इस टाइप की. शार्पनिंग को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, मैं नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा लेता हूँ और कलर नॉइज रिडक्शन को भी मैं सिंपली हल्का सा बढ़ा लेता हूँ. देखिए फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है. पहले फोटो देखे कुछ इस टाइप की थी और अब फोटो कुछ इस टाइप की हो चुकी है. मैं आपको एक और फोटो भी ये वाली सेटिंग करके दिखा देता हूँ. सिंपली इसकी ये वाली सेटिंग को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर जाके मैं सिंपली पेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ. देखिए ये वाली फोटो थोड़ी ब्लर टाइप की थी लेकिन फिर भी फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है. सिंपली मैं देखें यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर भी मैं देखें पेस्ट सेटिंग कर देता हूँ. देखो फोटो में कितना अच्छा लुक आ रहा है. फोटो पहले कुछ इस टाइप की तरफ फोटो कुछ अब ये वाली फोटो मुझे सेव करनी है तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा, शेयर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर लूँगा और आपके फोटो मोबाइल में सेव हो जाएगी बिल्कुल HD फुल रेजोल्यूशन में. सिंपली यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना, आपके मोबाइल में फोटो ये वाली सिंपली सेव हो चुकी है. तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो लाइक मस्ट कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ. कमेंट पे आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस और लाऊं. और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है इसलिए क्योंकि अगर इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी मेरे कॉन्टेंट वाइज क्वेश्चन हो तो आप मुझे उसका मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा. और अगर इससे आपको कोई भी जैसे मेरे कॉन्टेंट में इंप्रूवमेंट करवानी हो, मुझे कुछ आइडियाज देने हो कि मैं किस टाइप की वीडियोज और लाऊँ, तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो. कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस टाइप की इंप्रूवमेंट और करूँ अपने कॉन्टेंट में. और लाइक भी कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन आते रहे वीडियोस की जब भी वीडियो अपलोड करूँ. तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. भाई को दुआ में याद रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.